आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगान से की मुलाकात, फैंस ने ट्विटर पर इस वजह से कर डाला ट्रोल। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की में है। हाल में अभिनेता की कई फोटोज ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अभिनेता तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगान से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। संक्रमण और भारत चाइना के बीच चल रहे तनाव के बाद आमिर खान ने लद्दाख में फिल्म की शूटिंग को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद आमिर खान फिल्म के बचे हुए हिस्से की शूटिंग तुर्की करने पहुंचे हैं। आमिर खान हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोगान से मिलने के लिए इस्तांबुल पहुंचे। बैठक के दौरान इन सभी फोटोज को तुर्की की प्रथम महिला द्वारा शेयर किया गया। एमिन एर्दोगान ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, इस्तांबुल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और डायरेक्टर से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे जानकर खुशी है कि आमिर ने अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग को तुर्की में करने का फैसला किया है, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। हालांकि दोनों की मुलाकात से ट्विटर पर बहुत से फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारत और तुर्की के बीच धारा 370 को लेकर कश्मीर और पाकिस्तान के बीच तनातनी के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन कर रहे हैं और भारतीय सुपरस्टार आमिर खान उनकी पत्नी से मिले। ट्विटर पर कई फैंस ने आमिर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आमिर खान की इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी लीड रोल में दिखे। खबर अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।